होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें मैंने पैनकेक की रेसिपी आपको बताई है, पैनकेक बना के दिखाया है कि किस तरह से आप एक डिलीशियस पैनकेक बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर मैं आई बटन पर डाल दूंगा, या जाके यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाइए, चैनल में जाके देखिए, वहाँ पर काफी सारे वीडियो आपको दिखेंगे। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और आज हम बनाने जा रहे हैं पेने पास्ता, टेस्टी पेने पास्ता, जिसका कि मैंने नाम दिया है देसी गार्लिक पास्ता। ये देसी स्टाइल में होगा क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा है। जरूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी है। जब भी मेरा मन करता है पास्ता बनाने का तो मैं देसी स्टाइल में बना के खाता हूँ। तो इसका नाम मैंने दिया है देसी गार्लिक पास्ता। इंग्रीडियंट्स वगैरह सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें किस किस चीज की जरूरत है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फूड रेसिपी की जरूरत है तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक पॉइंट आपको नोट करना बहुत जरूरी है अगर आपको चाहिए टेस्टी पेने पास्ता। वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो। हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। लास्ट वीडियो में, पैनकेक वाले वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आए, काफी सारे लाइक्स आए आप लोगों के। थैंक यू सो मच सभी को जिन्होंने भी लाइक किया है और जिन्होंने भी डिसलाइक किया है। कमेंट करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां पर आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा वो वीडियो है, कौन सी वो डिश है मैं जो आप लोग के लिए बनाऊं और आप लोग को बना के दिखाऊं। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाइए देसी ब्लॉगर विदाउट एनी स्पेस, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, काफी सारे अपडेट मैं वहां पे डालते रहता हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने रखे हैं जिसमें कि है पैने हमारे पास, पैने तो ऑब्वियसली पैने तो हो गए हमारे पास, तो पैने मैंने यहां पर रखा है। जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये ऑलमोस्ट एक से दो पोर्शन आप बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना खा सकता है एक इंसान। सो वैसे ये एक इंसान के लिए ये एक पोर्शन है ये, बट इसको आप दो में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट पेपर जो सीजनिंग होता है वो तो है, सॉल्ट पेपर। उसके अलावा मेरे पास टर्मरिक है, कोरिएंडर है देसी फ्लेवर देने के लिए, मैंने टर्मरिक और कोरिएंडर रखा हुआ है। टर्मरिक मैं आपको बता दूं कि हल्का सा मतलब पिंच डालना, मतलब टीस्पून होता है ना उसका, एक पिंच डालना है सिर्फ कलर के लिए और हल्का सा फ्लेवर के लिए, ज्यादा नहीं डालना जैसे हम करी वगैरह में डालते हैं, इतना नहीं डालना, हल्का सा पिंच डालना। उसके अलावा मेरे पास पार्मेसन चीज है जो कि मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, चिली फ्लेक्स है यहाँ पर और ऑनियन चॉप मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं करके पहले से। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर गार्लिक, आप देख सकते हैं दो तरह के गार्लिक है जिसमें कि यहाँ पर एक गार्लिक चॉप है और एक गार्लिक स्लाइस है। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको थोड़ी देर में बनाते हुए दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है टमाटो, टमाटो प्यूरी मैंने निकाल के रखी हुई है, नॉर्मल टमाटो है। टमाटर को मैंने बॉईल करके उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बनाया हुआ है, सो यहाँ पर टमाटो का थोड़ा सा पेस्ट है मेरे पास। उसके अलावा मैंने यहाँ पर रखा है सोया सॉस, सोया सॉस भी मैं ऐड करने वाला हूँ अपने पास्ता में, बट ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ टी स्पून। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा बेसिल लीफ जो कि मेरे गार्डन में, बाहर मेरी बालकोनी है वहाँ पर मेरे पास बेसिल के पेड़ लगे हुए हैं छोटे मोटे, तो मैंने अपने गार्डन में भी थोड़े से लगाए हुए हैं, तो वहाँ से मैंने बेसिल लिया है, फ्रेश है बेसिल। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन है जो कि मैं लास्ट में जब बन जाएगा पास्ता उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल करूंगा, तो स्प्रिंग ऑनियन है। और उसके अलावा मेरे पास ग्रीन चिली भी है, वैसे मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स भी है, बट इट डिपेंड, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास रखे हुए और चलिए आप फटाफट से शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं पास्ता बॉईल करूंगा। सो पास्ता बॉईल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप पानी को गर्म कर लीजिए, ठंडे पानी में नहीं डालना है। तो सबसे पहले तो मैं पास्ता चढ़ा देता हूँ क्योंकि पास्ता का बॉईल होना बहुत जरूरी है, तो हमको चेक करना है कि कितना आपका पास्ता बॉईल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ओवर कुक भी नहीं करना है, मीडियम रेयर भी नहीं करना है। पास्ता का जो टाइमिंग होता है वो मैं आपको बता, 7 मिनट होता है, तो डिपेंड करता है 7 से 8 मिनट के बीच में आपका पास्ता कंप्लीट हो चुका होता है। पानी में मैं थोड़ा ऑयल डाल दूंगा जिससे कि पास्ता जो है चिपकेगा नहीं। पानी हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें डाल देंगे अपना पास्ता। पास्ता डन हो चुका है, इसको हम रख देंगे साइड में। तो अभी पास्ता हो चुका है बॉईल, इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया है। अगर आपने ऑयल पहले नहीं डाला है बॉईल करते वक्त तो अभी आप डाल सकते हैं जिससे कि ये चिपके ना। तो चलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं पास्ता। सो अभी मैंने गैस ऑन कर दिया है, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन चढ़ाया है। सबसे पहले पैन को गर्म कर देंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं या तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं देसी पास्ता बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना घी का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गार्लिक का यूज़ करूँगा जो कि मैंने स्लाइस काटा हुआ है, तो टोस्ट कर लूँगा यहाँ पर। आप याद रखिए यहाँ पर इसको आपको काला नहीं करना है, ब्राउन भी नहीं करना है, बट लाइट ब्राउन करना है। इसको मैं लास्ट में यूज़ करूँगा जस्ट फॉर गार्निश ऑन द पास्ता।
सो इसको हल्का सा टोस्ट कर देंगे, लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसको साइड कर देंगे। हल्का सा कलर आ चुका है और इसको थोड़ा सा और कलर आने दूंगा, उसके बाद में इसको यहाँ से निकाल लूँगा। सो ये हो चुका है टोस्ट और बस इतना सा कलर आया है इसमें, बस लाइट ब्राउन आना चाहिए। मैंने इसको स्टेन कर लिया है। इसका जो ऑयल है, जो घी है, वो मैं यूज़ करूँगा पास्ता में अभी बनाते वक्त और लास्ट में भी यूज़ करूँगा इसको। तो इसको जो है मैं साइड कर दूँगा फिलहाल गार्लिक को, थोड़ी देर में क्रिस्पी हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा, तो इसको ऑन द टॉप में डाल सकता हूँ पास्ता के, जो कि खाने में काफ़ी लजीज लगेगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर अपना जो घी बचा हुआ है इसको डाल देता हूँ और अब हम शुरू करते हैं अपना पास्ता बनाना। तो सबसे पहले मैं चॉप गार्लिक डालूंगा जो कि मैंने पहले से रखा हुआ है। इसको हल्का सा टोस्ट कर लूँगा, ज़्यादा इसको काला नहीं करना है, ब्राउन भी करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद ये डन हो गया है। इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आपको डिपेंड करता है कि कितना स्पाइसी चाहिए, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से डाला है। हल्का सा इसको फ्राई करूँगा ऑयल में और गार्लिक में, उसके बाद मैं डालूंगा ऑनियन। सो ऑनियन को हमको करी जैसे हम बनाते हैं, फ्राई करते हैं, ऑलमोस्ट ब्राउन करते हैं, वैसा नहीं करना है। हल्का सा इसको भी टोस्ट करना है, मतलब ऑलमोस्ट इसको मीडियम करना है, नॉट वेल डन बट मीडियम। ये हो चुका है तो इसमें मैं अब डाल दूंगा टमाटो प्यूरी जो कि मैंने बना के रखी हुई है। ये है फ्रेश टमाटो, इनको मैंने ग्रिंड किया हुआ है मिक्सचर में और इसका पेस्ट बनाया हुआ है, तो इसको हल्का सा डाल दूंगा। इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको भी, और बस ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हल्का सा इसको फ्राई करके मिक्स करके इसमें अब मसाला मिलाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं कोरिएंडर पाउडर डालता हूँ क्योंकि देसी पास्ता है तो कोरिएंडर पाउडर तो बनता है। हल्का सा इसमें टच करूँगा टर्मरिक का, ज़्यादा फ्लेवर के लिए नहीं बट एक कलर के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगा इसमें, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देंगे आप अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू आर मेकिंग। सो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर सोया सॉस है, ये भी ऑलमोस्ट एक पिंच, आप आधा टी स्पून बोल सकते हैं या मैक्सिमम एक टी स्पून यहाँ पर सोया सॉस डाल सकते हैं। इसको भी हल्का सा मिक्स करूँगा एक साथ और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है पास्ता की। अब इसमें हम मिला देंगे पास्ता, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और हमारा पास्ता भी बॉयल है तो इसको मैं इसमें मिला दूंगा। पास्ता याद रखिए ऑयल डालना बिल्कुल नहीं भूलेगा, जिससे कि आप देख सकते हैं पास्ता सारा अलग अलग है, चिपका हुआ नहीं है। तो पास्ता मैंने डाल दिया है, अब इसको हल्का सा फ्राई कर देता हूँ इसके साथ, हल्का सा टोस्ट कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसे हम डालेंगे चीज़ और इसमें हम डालेंगे बेसिल और इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और चिल्ली, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप ज़्यादा चिल्ली डाल सकते हैं। ये हो गया है डन। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और हल्का सा इसको हिला के सर्व करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब इसको सर्व कर देंगे आप प्लेट में। और याद रखिए कि इसमें आप ऊपर से चीज़ डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो गार्लिक हमने स्लाइस करके टोस्ट करके रखा हुआ था जो कि आप देख सकते हैं, ये भी ऊपर से डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो हमारे पास इसका ऑयल था, घी था, या जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बटर यूज़ कर रहे हैं, वो भी ज़रूर डालिए लास्ट में सर्व करने से पहले। ये मैं लास्ट में पेपर डाल रहा हूँ क्योंकि इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली हमारा दूसरा कुकिंग वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है डिलीशियस पास्ता के साथ। तो ये है हमारा पास्ता और ये अति सुंदर आहा। वैसे तो मैं हमेशा खाते रहता हूँ बना बना के, बट पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए पैनकेक बनाया था, वो कुछ ज्यादा डिलीशियस बन गया। अब की बार मैंने पास्ता बनाया तो वो ज्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। वैसे खाने का टाइम हो गया मेरा और मेरा खाना तैयार है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये पास्ता आप ट्राई करें तो बिल्कुल करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा बना। सारी रेसिपी, सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देख रहे हैं आप देख रहे हैं, इसमें गार्लिक का जो फ्लेवर है ना, जैसे कि नाम है देसी गार्लिक पास्ता, सो उसी तरह की महक आ रही है। बहुत ही डिलीशियस बना है और बस मैं इसको अब खाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसको देख के। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास कोई थॉट्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम जो कि है देसी ब्लॉगर विदाउट एनी स्पेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।